नमस्कार, द रूस्टर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। इसी कविता में एक और पंक्ति आती है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोसिता हमारा। क्या आपको लगा, एक फख्र महसूस हुआ जब आपने ये पंक्तियां सुनी? छाती चौड़ी जरूर हुई होगी। आपको यकीन नहीं होगा, इसको जो लिखने वाले हैं वो मुसलमान हैं। नाम है मोहम्मद इकबाल। हिंदोसिता सिर्फ मुसलमान या फिर हिंदुओं से नहीं बना है, ये तमाम जाति, तमाम धर्म, तमाम भाषाओं से बना हिंदुस्तान है। आज भी इस हिंदुस्तान में कुछ ऐसे सरफिरे लोग रहते हैं जो शायद हिंदुस्तान को सिर्फ हिंदू देश मानते हैं। जोमैटो में कल 30 तारीख को एक जनाब है, उन्होंने कुछ खाना ऑर्डर किया। नाम है इनका पंडित अमित शुक्ला, जबलपुर के रहने वाले हैं। खाना जो डिलीवर देने आने वाला था लड़का, वो एक मुसलमान था। पंडित जी, सावन का महीना, इनको क्रोध आ गया। पंडित जी ने चैट खोला और कहा कि जो डिलीवरी बॉय है इसको बदल दीजिए, मैं मुसलमान के हाथ से खाना नहीं खाऊंगा, धर्म का मामला है। जोमैटो ने जवाब दिया, पंडित जी हम लड़का नहीं बदलेंगे, हम रिलीजन के साथ काम नहीं करते हैं, जो लड़का निकल चुका है वही आपको खाना देने आएगा। पंडित जी ने कहा तो आप हमारा पैसा वापस करें और खाना कैंसिल कर दें। जोमैटो का जवाब आता है कि जनाब आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो आपका रीज़न है वो सही नहीं है, एक रिलीजन के बेस पर हम आपको पैसा वापस नहीं करेंगे, और दूसरी बात, खाना बन चुका है और लड़का खाना लेकर आपके घर की तरफ रवाना भी हो चुका है। पंडित जी ने कहा ठीक है, आप पैसा ना दें बट मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दें, क्योंकि मैं खाना एक मुसलमान के हाथ से नहीं खाऊंगा। पंडित जी ने ट्विटर हैंडल उठाया और लिख डाला वो तमाम चीज़ें जो इनके साथ घटी थी, ये सोचकर कि काफ़ी सारे हिंदू इनका साथ देंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ, कई सारे हिंदू भाई ही ऐसे निकले जो इनके खिलाफ झंडा बुलंद कर चुके थे। उन्होंने ये कहा कि मैं भी एक हिंदू हूँ लेकिन मेरा जो दोस्त है वो मुसलमान है, मैं भी एक हिंदू हूँ, बचपन से लेके आज तक मेरे हजारों मुसलमान दोस्त हैं, कभी हमने भेदभाव नहीं किया। मेरे घर में जब दिवाली होती है तो एक मुसलमान मेरे घर पे आकर मिठाई खाता है, मेरे साथ वो दिए जलाता है। जब उसके घर ईद होती है मैं उसके घर जाके खीर खाता हूँ, उससे गले मिलता हूँ। और जब होली आती है तो ना मेरा चेहरा उसको ये पता लगता है कि मैं राहुल हूँ, ना उसका चेहरा मुझे ये याद आता है कि वो सरफराज है। हम गले मिलते हैं, होली खेलते हैं, हमने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि तुम मुसलमान हो और ये तुम्हारा त्यौहार है, मैं हिंदू हूं और ये सिर्फ मेरा त्यौहार है। शुक्ला जी, आप शायद पंडित गलत पैदा हो गए, आपको ये पता ही नहीं कि हिंदुत्व होता क्या है, हिंदुस्तान होता क्या है। हम बिल्कुल आपको मना नहीं कर रहे कि आप हिंदुज़म फॉलो ना करें, आप भले करें, आप शौक से करें, लेकिन हिंदुज़म का एक गलत एग्जाम्पल ना सेट करें। हमारी आपसे सिर्फ और सिर्फ यही दरख्वास्त है। इन्हीं के जैसे कई और लोग हैं, कुछ लोग मेरे बहुत करीब भी हैं, जिनको लगता है कि शायद मुसलमान है तो ये गलत है, ईसाई है तो ये गलत है। उस तरफ कुछ ऐसे मुसलमान भी हैं, कुछ ऐसे ईसाई भी हैं जो सोचते हैं कि हिंदू है तो ये शायद हमारे साथ इनकी पटेगी नहीं, ये गलत है। जनाब, हिंदुस्तान इतना खूबसूरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भाषाएं अनेक हैं। हिंदुस्तान इतना खूबसूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रंग बहुत अलग है। हर 100-200 किलोमीटर पर एक स्टेट आ जाता है, एक नया कल्चर आ जाता है, नई भाषा आ जाती है। आप उस छोर से इस छोर तक कई रंग देख पाएंगे। अमित जी जैसे लोग इसी रंग को एक रंग में पेंट करना चाहते हैं। हमें ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए, ना ही हमने ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना करी। जरा सा हिस्ट्री में चल के देखते हैं, जो हिंदू और मुसलमान की जो मिसालें हैं वो कितनी अच्छी हैं। सन 1990 बाबरी मस्जिद के ढहने के बाद उत्तर प्रदेश में ही एक ऐसा मंदिर है जिसको आज तक वहां के मुसलमान रोज साफ करते हैं, दिवाली के दिवाली वहां पे रंग रोगन करते हैं और वहां पर दिए जलाते हैं। कई हिंदू परिवारों को वहां से जाने से रोका
आज भी वहाँ के मुसलमान चाहते हैं कि वो हिंदू भाई वापस हमारे गांव आ जाएं ताकि हम उसी तरह से दोबारा से रहें जैसे हम रहा करते थे। एक और मिसाल है, एक हिंदू जनाब है रायपुर के, हिंदू हैं, 60 साल इनकी उम्र है। जब रोज़े चलते हैं रात के 2 बजे साइकिल लेके निकल जाते हैं उन मुसलमान गांवों की तरफ ये कह के कि उन सबको मुझे जगाना है, नमाज का टाइम है, सहरी का टाइम है, लोग उठ जाएं, समय पर अपना जो भी उनका कार्य है वो करें। एक मुसलमान के घर हिंदू जगाने का काम करता है। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आपने सभी ने सुना होगा, उनकी जो गाथाएं वो हमको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। आपको यकीन नहीं होगा, उनको जो आखिरी जो उनका अंतिम संस्कार किया था उनके मुँह बोले भाई नवाब अली बहादुर ने किया था। नवाब अली बहादुर रानी लक्ष्मीबाई के मुंह बोले भाई थे। रानी लक्ष्मीबाई जी हर साल उनको राखी बांधा करती थी। जहां रानी लक्ष्मीबाई जी के खिलाफ अंग्रेज खड़े हो गए थे वहां एक मुसलमान ने आखिर तक उनका साथ दिया था, और जो शहीद हो गई उनका अंतिम संस्कार भी इसी मुसलमान भाई ने किया था। हिंदुस्तान इतना खूबसूरत सिर्फ इसके लोगों की वजह से है, इस धर की भाषाओं की वजह से है। आप ना भाषा थोप सकते हैं ना ही आप एक रिलीजन थोप सकते हैं। हमें आज़ादी उन तमाम लोगों की वजह से मिली है जो ना हिंदू थे ना मुसलमान थे ना सिख थे ना ईसाई थे, वो क्रांतिकारी थे। आजकल एक अजीब सी एक हवा चल रही है हिंदुस्तान में, अगर आप देखें तो गाड़ियों के पीछे जो एक बहुत सॉफ्ट भगवान हुआ करते थे हमारे, वो अब क्रोधित हो चले हैं। श्री राम जी जिनकी एक एक कोमल जो एक बहुत सॉफ्ट उनकी जो मूर्ति प्रतिमा होती थी, जो तस्वीरें होती थी जिनसे हमारा मन बहुत हल्का हो जाता था, आज उनका एक क्रोधित चेहरा हमें देखने को मिलता है। एक जमाना था जब हम शिव भक्ति में लीन हुआ करते थे, आज वही शिव कुछ लोगों की गाड़ियों में क्रोधित नजर आते हैं। हनुमान जी को हाथ जोड़े शीश झुकाए श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता मैया के चरणों में देखा गया, आज वो हनुमान जी भी क्रोधित नजर आते हैं किसी गाड़ी के शीशे में। क्या ये हिंदुत्व है? क्या ये हिंदू समाज हम देना चाहते हैं? इन जैसे चरित्र के लोग जो इस तरह की सोच रखते हैं, पंडित अमित शुक्ला जैसे लोग, क्या ये हमें एक नया हिंदुस्तान दिखाने वाले हैं? ये खुद साहब MBA हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या ये इस तरह के जो ट्वीट करते हैं इनको ये नहीं समझ में आता है कि जब आप बाजार जाके आटा खरीदते हैं, दाल खरीदते हैं, वो किसी एक मुसलमान किसान ने आपके लिए उगाया है? क्या आपको ये समझ नहीं आता है कि जो आप खा रहे हैं वो तो छोड़िए, जो आप पहन रहे हैं वो भी किसी मुसलमान के हाथ से ही आया होगा? अगर आप इस तरह से भेदभाव करेंगे तो क्या आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होता है? क्या आप सही में पंडित हैं? क्या आप सही में ब्राह्मण हैं? क्या आप सही में हिंदू हैं? क्या आप सही में एक हिंदुस्तानी हैं? हम तहे दिल से Zomato के लोगों को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बिल्कुल बिना डरे सोच समझकर साफ तरह से इन जैसे लोगों को जवाब दिया। चलते चलते कुछ एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, ये वो हिंदुस्तान बन चला है जहाँ पर जय श्री राम ना बोलने की वजह से लोगों को मार दिया जाता है। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान बन चुका है जहां पर गौ हत्या के नाम पर करीब किसानों की हत्या कर दी जाती है। ये हिंदुस्तान ऐसा हिंदुस्तान नहीं था। ये हिंदुस्तान दो कल्चर से बना है, एक है भक्ति, दूसरा है सूफी। भक्ति कबीर और तुलसीदास जैसे लोगों ने कराई थी और हम उनको फॉलो करते हैं। सूफी निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज, इन जैसे लोगों ने हमें दिया। हिंदुस्तान में इन सभी लोगों ने रंग भरे थे, आज वो रंग कहीं उड़ते चले जा रहे हैं कुछ लोगों की वजह से। हमें भगवा हिंदुस्तान नहीं चाहिए, हमें वही कलरफुल हिंदुस्तान चाहिए, वही रंगीन हिंदुस्तान चाहिए जहां पर मैं खुल के सांस ले सकूं। अमित शुक्ला जी, जिस आबो हवा में आप सांस ले रहे हैं वहां पे 20% से भी ज्यादा मुसलमानों की सांसें मिली हुई हैं उसी हवा में, क्या आप सांस लेना बंद कर देंगे? जब आप खाने पीने का कुछ सामान लेने जाएंगे तो आप ये पूछ के खरीदेंगे कि एक किसान जो हिंदू है उसी का मैं चावल खरीदूंगा, उसी के घर का मैं आटा खरीदूंगा? क्या ऐसा हो सकता है जब आप कभी गिर जाएं और आपको जो उठाने वाला है वो मुसलमान है तो आपसे पूछेंगे तुम राम हो या फिर रहीम? अगर रहीम हो तो मुझे छूना नहीं, राम हो तो आप मुझे अस्पताल पहुंचा देना।
क्या ऐसा हो सकता है? सोचने की बात है। हम आशा करते हैं अमित शुक्ला जी का दिमाग जल्दी ठीक हो, इनके जैसे और जो लोग हैं उनका भी दिमाग जल्दी ठीक हो, और इन सभी के लिए हम एक गेट वेल सून का मैसेज जरूर लिखना चाहेंगे। हम लिख रहे हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखें गेट वेल सून शुक्ला जी। आशा करते हैं आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी होगी। बने रहें हमारे साथ रूस्ट न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहे जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।